हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द शॉकिंग किचन। टुडे वी आर गोइंग टू प्रिपेयर मशरूम चिल्ली। यस, यू हर्ड इट राइट, मशरूम चिल्ली, जो हम लोग को लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बनाने के लिए, बट नो, आज हम देखते हैं कि हम कैसे इसे झटपट तरीके से अच्छे से बना पाएंगे। चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। पहले आप जैसे देख रहे हो, यहाँ पर मैंने टमाटो केचप सॉस लिया है, विच इज़ 1 टेबल स्पून। दिस इज सोया सॉस 1 टेबल स्पून, शेजवान सॉस 1 टेबल स्पून एंड चिल्ली सॉस 1 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने रेड बेल पेपर लिया है, कैप्सिकम, येलो बेल पेपर, स्प्रिंग ऑनियंस, ऑनियन, ग्रीन चिलीज, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। दिस इज सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, रेड चिल्ली पाउडर सेम एज पर योर टेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून एंड आवर मेन इंग्रेडिएंट दैट इज मशरूम। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। मशरूम चिल्ली बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये मैदे की एक स्लरी बनानी है, जिसमें हम हमारे मशरूम को डिप करेंगे, उसे अच्छे से कोट करेंगे। ये स्लरी बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट। कि आप देख रहे हो, मैंने इसमें हल्का सा ब्लैक पेपर पाउडर डाला है और सॉल्ट डाला है। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और ध्यान दीजिए कि इसमें लम्स ना फॉर्म हो पाए। इसे धीरे धीरे आप ऐसे हिलाते रहिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर मैंने स्लरी बनाया है ब्लैक पेपर पाउडर, मैदा और नमक के साथ। इसकी कंसिस्टेंसी आप इतनी ही रखिएगा और इस पर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि कोई भी लम्स ना फॉर्म हो पाए। हाँ, हमने फ्राई पैन में तेल ले लिया है। अब हम इसमें हमारे जो मशरूम्स की स्लरी बनाए थे, मशरूम को स्लरी में डिप करके अब हम इसमें फ्राई करेंगे। हमें मशरूम को इस स्लरी में अच्छी तरीके से कोट करना है। कोट करने से ये होता है कि मशरूम अच्छे क्रिस्पी बनते हैं और जब क्रंची लगते हैं खाने के वक्त हमें, तो इसलिए स्लरी का अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आप देख रहे हो, तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हमारे मशरूम डालेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मशरूम अभी ब्राउन होने लग चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे ताकि ये जल ना जाए। जैसा कि आप देख रहे हो, तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हमारी प्याज कटी हुई डालेंगे और हरी लाल मिर्च। माशाल्लाह, इसका कलर देखिए आप लोग, कितना खूबसूरत लग रहा है। वाव, यकीन मानिए बहुत अच्छा बनता है। आप प्लीज़ इसे एटलीस्ट एक बार तो ट्राई कीजिएगा। हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, अब हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से स्टर कर लेंगे। कुछ लोगों को अदरक लहसुन का पेस्ट पहले डालना पसंद है, लेकिन मुझे वैसा टेस्ट पसंद नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर जिंजर गार्लिक का स्वाद आ जाता है मुंह में, तो मुझे सिर्फ उसे हल्का हल्का सा, यू नो, थोड़ा एसेंट आ जाए बस उसके लिए। वेजिटेबल्स आ क्रिस्प नाउ, आप देख सकते हो ये अच्छा साइन भी आ रहा है, अच्छी क्रिस्प हो चुकी है। अब हम इसमें हमारे जितने सॉसेस लिए थे वो सारे डालेंगे। ये हमारे सॉस है, सॉसेस को पकने देते हैं। हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा। इसे अच्छी तरीके से स्टर करना, अच्छी तरीके से। इसी के साथ हमारी झटपट बनी हुई मशरूम चिल्ली तैयार है। आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़
मुझे कमेंट में बताइएगा और प्लीज़ ये रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।